हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज आपके सामने एक अंजीर की नई वैरायटी लेके आया हूँ। इसका नाम है फाइकस प्लामाटा हाइब्रिड वैरायटी। ये पॉट में भी फ्रूटिंग करती है और इसको मैक्सिमम 3 फीट की हाइट पे ही फ्रूट लग जाता है। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है और ये भी जस्ट 4 फीट का हुआ है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, खाने लायक भी है। इसका फल भी काफ़ी मीठा होता है, ब्लैक कलर का, और अंदर से ये रेड कलर की होती है। तो ये देखें, इसको छोटा सा फ्रूट लगना शुरू हो गया है। इसको जब मैं लाया था, ये बहुत छोटा प्लांट था, तब भी इसको फ्रूट लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसकी फ्रूटिंग सारी उतार दी थी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। तो अभी माशाल्लाह ये तकरीबन 4 फीट के करीब हो गया और इसकी ब्रांचेस भी 2-3 निकल आई हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग भी अब स्टार्ट में ही लगने लग गई है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये देखें, छोटे से पॉट में लगा हुआ है, तकरीबन 8 से 10 इंच का पॉट है मेरा, और इसमें ये लगा हुआ है फाइकस प्लामाटा फिग। इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और गोल होते हैं, हार्ट शेप के होते हैं। ये एक मेरे पास दूसरी वैरायटी है अंजीर की, इसको बोलते हैं अरेबियन फिग। इसके लीव्स की निशानी होती है, 5 किस्म के इस पे कट होते हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं। इसके लीव्स के डिज़ाइन उसके दूसरी प्लामाटा के डिज़ाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये मैंने कटिंग्स लगाई थी एक्सपेरिमेंट के लिए, ये भी माशाल्लाह चल गई हैं बड़ी अच्छी तरीके से। तो अगर आप इन कटिंग्स को ग्रो करने का तरीका देखना चाहते हैं, तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा इसका, तो आप वहाँ से जो सा है मेरे कटिंग ग्रो का मेथड भी देख सकते हैं। ये भी एक मेरे पास प्लामाटा की एक दूसरी वैरायटी है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो की है।